ओम शांति 25/4/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। प्रश्न, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप, तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान, रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे माशुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। स्लोगन, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानोमी वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानोमी बनने वाले बनो। एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानोमी वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। आप दृष्टि यूं